पानीपत में झगड़े में नारा गांव के दिव्यांग की हत्या। तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों ने युवक को पहले पीटा, फिर गला घोट कर की हत्या। पानीपत जिले की गोपाल कॉलोनी मूल रूप से नारा गांव के एक दिव्यांग युवक की पड़ोसियों ने मारपीट के बाद गला घोट कर हत्या कर दी। युवक के घर पर परिजन न होने के चलते शव 24 घंटे तक घर में पड़ा रहा। मृतक का मुख बधिर बड़ा भाई वहां पहुंचा तो उसने छोटे को अचेत पड़ा देखा। इसकी सूचना उसने दूसरी कॉलोनी में रह रहे अन्य परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन तुरंत उसे उठाकर सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया। वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पड़ोसी परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ IPC की धारा 148, 139, 302 के तहत केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर ली है। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में महावीर ने बताया कि वह मूल रूप से नारा गांव नारा का पानीपत का रहने वाला है। इन दिनों वह गोपाल कॉलोनी में रहता है। वे 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़ा भाई वह है। सबसे छोटा भाई दिव्यांग रविंदर 32 वर्षीय मंचले भाई मुखबदीर भाई प्रदीप के साथ गोपाल कॉलोनी स्थित मकान में रहता था। 14 जून को रविंदर की पड़ोसी बलकार, उसकी पत्नी, उनके बेटे राजू, बिंदर, गोपी व बेटों की पत्नियों ने पिटाई की। इस दौरान आरोपियों ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात का पता तब चला जब प्रदीप रविंदर से मिलने के लिए आया। उसने मुझे बताया और आसपास बात करने पर रविंदर से मारपीट का पता चला। मामले की तहकीकात करते हुए जब महावीर ने पड़ोस के अन्य लोगों से पूछा तो पता लगा कि 14 जून की शाम को रविंदर ने घर में तेज आवाज में स्पीकर में गाने बजाए हुए थे। इसकी आवाज कम करने बाबत आरोपियों ने रविंदर को कहा था। रविंदर ने आवाज कम कर ली थी, मगर उस दौरान थोड़ी कहां सुनी हो गई। इसी बात की रंजिश में आरोपियों ने रविंदर और मुखबधिर भाई प्रदीप के साथ मारपीट की थी। मारपीट से डर कर प्रदीप वहां से भाग गया था। जो बुधवार यानी 15 जून की शाम करीब 7 बजे घर पहुंचा, उसने रविंदर को अचेत पड़ा हुआ देखा। घर का मेन दरवाजा भी टूटा हुआ था, लोहे की चारपाई भी टूटी हुई थी, कमरे में खून पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रात के 12-1 बजे तक इनका पड़ोसी बतावा खूब झगड़ा है डैक की बाबत में। डैक की आवाज थी, उसकी बाबत में उन्होंने बोले वह कम कर ली। फिर इनके 3 लड़के हैं, 3 बहू हैं और माँ बाप हैं। इनने फिर जबरदस्ती घर में आने का पिटाई करी है, पिटाई के तान मर रहा है। हमारा परिवार सारा गायब जा रहा था। हम 14:30 बजे आओ, हाँ 15:30 बजे आओ, जो हमने देखा तो मृत्यु घोषित पाया। पुलिस को दे दिया, हाँ पुलिस को एक पहले 112 नंबर पर दीजिए, फिर पुलिस वहाँ आएगी। फिर हमने दरखास्त लिखी, सारी रात दरखास्त देकर हम फिर निपटे मेडिकल वो। पुलिस ने कर लिया, हाँ कर लिया जी, वो कागज़ पूरे करवाए हम। कितने लोग थे मारने वाले? मारने 8 लोग थे जी। क्या करता था ये? दिहाड़ी दुखे कर रहे हैं जी, वो भी ये टांग कटिया पास कर रहे क्या पास जो कहता जी। रविंदर नाम था जी, और फिर इसकी 32 साल है। कैसे क्या हुआ? ये 14 की रात ना जी, जिसकी गला मार पिटाई हुई है, हमने देखा 7:30 बजे 15 के शाम को, और ये बाहर जा रहे थे हम, तो ये गुजरा पाया हमने। फिर सब कहने लग गया इसने 14 की मार उस तय मरया है। ये कौन थे मारने वाले, क्यों मारा उन्होंने इसको? ये इनके मकान के पिछले कहने नहीं है, गेट मुझे क्या वो जी? ये जी डैक चला रहे थे। अच्छा, वहाँ कहने लगे मंदी कर ली ना, मंदी भी कर ली, फिर इसकी गला मार पिटाई कर दी। एक भाई गूंगा है, उसका भी मारे हैं, वो तो भैज गया। फिर वो 7:30 बजे जो कर शाम को आया 15 की उसमें। अच्छा, उन्हें देखा तो एन का वो मर रहा था, मतलब गाने की बजाने के बहुत झगड़ा हुआ। हाँ जी, वो आवाज़ कम करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, फिर उन्हें आवाज़ भी कम कर दी थी। कितने आदमी थे, क्या कुछ पता चला? वे जी 8 आदमी हैं, 3 लड़के हैं, 3 बहू है, उनके माँ बाप है। ये कहाँ का रहने वाला? ये नारा गांव का है जी। वहाँ बत्रा कॉलोनी में क्या है? ये गोपाल कॉलोनी में रहा है, मकान बना रखा है। हाँ जी, काम क्या करता था? उम्र क्या काम करता था, कितनी उम्र थी? ये काम कुछ नहीं कर रहा था जी, घर आए थे, टांग कट रही थी उसकी, अपाइज था। हाँ, नहीं जी।
काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।